पार्टी मीट में भी कैबिनेट में भी कि सब लोगों को अपील की जाए कि हरियाणा का अमन चैन ये बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए, रास्ते खोले जाए, चाहे रेलवे ट्रैक है अथवा सड़क मार्ग है। ये अपील सरकार की ओर से भी की गई और आज ऑल पार्टी मीट में सब पार्टियों के नेताओं ने कहा कि हम भी अपील करेंगे, संभवतः उन्होंने अपील की है। मुझे जानकारी ऐसी भी मिली है, बल्कि मेरी बात भी हुई है श्री राजकुमार सैनी, जो मेंबर पार्लियामेंट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं भी अपनी ओर से अपील करता हूं और किसी प्रकार के उनके बयानों से यदि किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उन बयानों को वापस लेने के लिए भी तैयार है। संभवतः मीडिया में आ गई होगी या वो मीडिया के, क्योंकि वहां बाहर हैं, आज यहां नहीं है, विशाखापट्टनम में कोई कमेटी की उनकी मीटिंग है, उसमें वो गए हैं। इस प्रकार की उनकी ओर से मैं सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि राजकुमार सैनी के किसी बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो वो बयान वापस लिए माने जाए। मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि आरक्षण के हम विरोध में नहीं है, बल्कि जो आरक्षण को दिए जाने का रास्ता है, जो संभव रास्ता है, उसको खोलने के लिए चाहे पहले बातचीत हो गई है उसमें हमने सब बता दिया है, अभी भी एजिटेशन को समाप्त करें, बातचीत के रास्ते खुले हैं, स्थायी समाधान हम सबके सहयोग से करना चाहते हैं। किसी प्रकार का यदि फिजिबल सजेशन, संभव सुझाव ये हमारे सामने आता है तो उसको अनुसार उसी अनुसार हम लागू करने के लिए तैयार हैं। चाहे विधानसभा में किसी प्रकार का रेजोल्यूशन पारित करना हो अथवा बिल पारित करना हो, स्टेट में हर प्रकार के उस आरक्षण को बनाए रखने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग पैरवी कर रहे हैं। एसएलपी भी उस हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई है, जिसकी अभी हरियाणा सरकार के द्वारा कल किया जी, नहीं पहले की हुई, जिसका अभी अगली सुनवाई कोई तारीख आने